क्या हम फेसबुक पर पेज क्रिएट करके पैसे कमा सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल फेसबुक पर पेज क्रिएट करके हजारों रुपए कमा सकते हैं। और आप कैसे यहाँ पर पेज क्रिएट करेंगे, कैसे प्रोफेशनल पेज क्रिएट करेंगे, और कैसे आप इसके SEO करेंगे, कैसे आप अपने पेज पर डिस्क्रिप्शन देंगे, कैसे आप यहाँ पर पेज इन्फो देंगे, और कैसे आप यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे, आपको किस नीच पर अपना पेज बनाना है, आपको अगर नहीं पता है तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल से। और आप कैसे यहाँ पर आप अपने पेज का लोगो बनाएंगे, लोगो का साइज क्या होना चाहिए, कैसे आप कवर पेज बनाएंगे, पेज कवर का साइज क्या होना चाहिए, तो ये सब मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही आप अपने पेज को कैसे ग्रो करेंगे क्रिएट करने के बाद, और कैसे आप अपने पेज को एकदम प्रोफेशनल तरीके से तैयार करेंगे, जिस पर आप बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट डालकर अपने पेज को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और आप बहुत जल्दी अपने पेज को जब कंप्लीट कर लेंगे इसका टारगेट, तो आप बहुत ही आसान तरीके से आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है, तो यहाँ पर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो फ्रेंड थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो अभी आप यहाँ पर बाद में देख लीजिए, नहीं तो आप इसे डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज जो मैं पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ फेसबुक का, वो मैं आज आपको कंप्यूटर में करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो मोबाइल पे भी सेम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमको फेसबुक पर भी लाइक कर लीजिए, आपको हमारा चैनल इसी नाम से आपको फेसबुक पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक ब्राउज़र खोल लेना है, और मोबाइल से चाहते हैं तो आप मोबाइल में सेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फ्रेंड, आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है फेसबुक। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, और इसे टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको लॉगिन मांगेगा। तो आपका जो भी लॉगिन है तो लॉगिन आप कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मेरा ID लॉगिन हो चुकी है। और लॉगिन हो जाने के बाद आपको कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ पर पेज क्रिएट करना है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको ऊपर में साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको जो क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप कोई भी यहाँ से, चाहे आप फेसबुक या जो भी है, मैं तो पहले क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा वो यहाँ पर आपको पेज किस तरह से क्रिएट करना है। तो उसके लिए तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर पेज को किस तरह से आप क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आज हम पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं पेज के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर दो तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपको जो अकाउंट क्रिएट करना है, आपको पता होना चाहिए आपको अकाउंट कौन सा क्रिएट करना है। नहीं पता है तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्रिएट ए पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दो तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक, अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट के बारे में आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्विस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बिजनेस और ब्रांड जो अकाउंट है इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिटेल भी लिखी हुई है, जो मैं आप अपने जो भी प्रोडक्ट है और उसकी सर्विस वगैरह यहाँ पर देते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से बिजनेस का जो अकाउंट है क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल कुछ बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं कम्युनिटी और यहाँ पब्लिक फिगर दिया है, तो आपको इस तरह का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली यहाँ पर कुछ पोस्ट डालना चाहते हैं या अपना जो एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको पब्लिक फिगर में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे भी इसकी डिटेल दी गई है, चाहे आप वो चाहे किसी भी तरह की पोस्ट डाल सकते हैं आप, जिससे रिलेटिव आप चाहे नेचर से डिपेंड हो या टेक्नोलॉजी से डिपेंड हो या आपके किसी नॉलेज का आप देना चाहते हैं, तो इस तरह की यहाँ पोस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा, अगर आपको मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए, तो जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ तो उसको मैं यहाँ पर कम्युनिटी ऑफ पब्लिक फिगर में यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, आपको किस तरह का अकाउंट चाहते हैं तो आप उस तरह से कर सकते हैं। प्रोसेस आगे का सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो आपको वहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह का नाम भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो आप जिसमें अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक फिगर में, तो यहाँ पर आपको वो नाम आ गया है। और तो आपको यहाँ पर चैनल का जो नाम देना है, तो सबसे पहले आपको अपने चैनल का यहाँ पर जो नाम है पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपका जो फेसबुक अकाउंट है, पहले आप उसको फिर से यहाँ पर फेसबुक डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। और उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका जो चैनल बनाना चाह रहे हैं,
आपको अगर नहीं पता है और जिसे रिलेटिव बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं, कहीं उस नाम से और भी चैनल तो नहीं है। अगर चैनल हैं तो आपको वहाँ पर कस्टम URL में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आपको यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। आपको यहाँ सर्च में नाम डाल देना है, तो मैं यहाँ पर नाम डाल दे रहा हूँ और देखते हैं उसका कोई और तो नहीं है। तो यहाँ पर तो मुझे इस नाम का बनाना है, लेकिन यहाँ पर इस नाम के बहुत सारे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो भी आप पेज बनाना चाहते हैं पहले यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन आपके उसी नाम के बहुत सारे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, तो आपको भी इस तरह से ही चेंज कर लेना है आप जिस नाम का बनाना चाह रहे हैं। अगर बहुत सारे चैनल जो सॉरी बहुत सारे ऐसे पेज होंगे तो आपका जो सर्च में है वो नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ पर SEO सेटिंग करनी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप SEO सेटिंग चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारा वीडियो आई बटन से जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको SEO कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा और मैं यहाँ पर भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए हम आपको इस सर्च कर लेते हैं, और मैंने जैसे कि बताया यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सर्च कर लिया, तो इस नाम का कोई दूसरा और नहीं आ रहा है, तो इसको हम एक बार एंटर मार के देख लेते हैं, हो सकता है इस नाम का कोई दूसरा होगा तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से मैंने सर्च मार लिया, यहाँ पर आपको फ्लावर एंड नेचर नेचर इस तरह से बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन जो मैंने सर्च किया है उस नाम का यहाँ पर अभी मुझे नहीं दिखा है। तो इस तरह से ही आपको चेंज कर लेना है, आपको थोड़ा सा हटके होना चाहिए, और इस तरह से ही मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आपको जो लगे सेट करने के बाद इसे कॉपी कर लीजिएगा, और हम मेन पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट करने जा रहे थे इसका। तो जो पेज बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पर पेज नेम मांगेगा फर्स्ट में, जो आपको यहाँ दिखा दे रहा है। तो आपको यहाँ पर पेज नेम डाल देना है, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो नाम डाल रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से डालना है, आप कोई गलती मिस्टेक मत कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। अब टाइप करना चाहते हैं तो टाइप भी कर सकते हैं। आपको नीचे कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है, आप अगर बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया बना सकते हैं, तो मैं यहाँ बिजनेस के लिए नहीं है तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ नो बिजनेस। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है, तो नॉट ए बिजनेस के लिए है, तो आप भी गया है तो आप इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर एड्रेस मांगेगा, तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद आपको इस तरह से मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया है, जो भी का एड्रेस हो डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, अगर आप यहाँ पर आप फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डोंट शो माई एड्रेस वगैरह का ऑप्शन है, तो आप चाहते हैं अपना एड्रेस दूसरे को दिखाएँ, अगर नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो नहीं दिखेगा, तो डोंट आपको यहाँ पर डायरेक्टली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ पर ये आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर वो मांग रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो हम इसे स्किप कर देते हैं, और आपने बना रखी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो हम इसे अभी स्किप कर देते हैं क्योंकि हम इसे बाद में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए उसके लिए यहाँ दे रखा है, हेल्प पीपल फाइंड योर पेज बाय एडिटिंग ए फोटो। तो यहाँ पर जो लोग आपके जो यहाँ पर पेज है उसे लोग सर्च करेंगे तो उससे उन्हें आसानी होगी जब आपका प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी, तो इसके लिए भी हम स्किप करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है वहाँ पर ऐड ए कवर फोटो। तो जो आपका यहाँ पेज है तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ज़रूर करनी होती है जब आप पेज बनाते हैं। तो जैसे मैंने पहला ऑप्शन जो था वहाँ पर आपको जो लोगो है वो डालना था आपको, और यहाँ पर जैसे कि मैं फर्स्ट स्टेप ये बता दूँ जो आपका लोगो साइज़ है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दूँ फ्रेंड जो अभी पुराना जो साइज़ था वो अपडेट हो चुका है 2020 में, दोनों का चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपका पेज का साइज़ है 2020 में तो वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर मैं साइज़ बता देता हूँ। जो आपका लोगो का साइज़ है वो आपका क्या रेशियो रहेगा तो यहाँ पर बता देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर लोगो का साइज़ है दोनों का सेम ही रहने वाला है, तो जो लोगो का साइज़ आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको 180x180 मतलब 180x180 आपको यहाँ पर जो साइज़ है वो यहाँ पर रखना है। और जो कवर फ़ोटो है उसका मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर और मोबाइल का अलग अलग रहता है, तो जो कंप्यूटर का साइज़ है वो आपको यहाँ पर आपको कवर फ़ोटो का साइज़ रखना है 1200x628 मतलब 1200x यहाँ पर आपका 628 तो पिक्सल का आप यहाँ पर जो बना सकते हैं। और यहाँ पर जो मोबाइल के लिए आपको बता दूँ तो मोबाइल के लिए यहाँ पर अलग है, तो मोबाइल का जो साइज़ है वो यहाँ पर आप
8200x461 पिक्सल का बना सकते हैं। दूसरा आप अगर हाई रेंज में बनाना चाहते हैं तो 1200x674, तो यहाँ पर जो मोबाइल का साइज है वो आप 1200x674 का बना सकते हैं। और दूसरा 820x461, तो यहाँ पर ये कवर और यहाँ लोगों के साइज मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर आपके जवाब देने की। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो अपलोड एक कवर फ़ोटो अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम इन दोनों को स्किप कर देते हैं। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पर आपका फेसबुक का पेज क्रिएट हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे हैं और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर में लिखा हुआ, तो जैसे कि यहाँ पर सेट योर पेज अप फॉर सक्सेस, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, आप इसे चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर आप इन्वाइट फ्रेंड टू लाइक योर पेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग पड़ी हैं जो अभी आपको करने के लिए बाकी हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको कैसे अपना थम्स लगाना है, कैसे आपको लोगो लगाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप साइड में आपको लोगो दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका लोगो हो गया और साइड में ये आपका कवर हो गया। तो यहाँ पर आप कवर वगैरह चाहे जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको क्या साइज़ का कवर आपको यहाँ पर ऐड करना है और कै और आपको किस साइज़ का यहाँ पर लोगो लगाना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका नाम दिख रहा है चैनल का, तो आप यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ कवर पेज है तो आपको बना लेना है। अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाएंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा कि आप कैसे फेसबुक का कवर बना सकते हैं और कैसे आप फेसबुक का लोगो बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने साइज बता दिया, आप उस अनुसार बना सकते हैं। तो फ्रेंड अब आपको इसके बाद करना क्या है, क्योंकि जब आपका पेज पे कवर और लोगो लगा हुआ होगा तब आपके यहाँ पर जो भी विजिट करने आएगा तो उसको यहाँ पर पता चल पाएगा कि आपका पेज किससे रिलेटिव है और आप यहाँ पर क्या क्या पोस्ट डालते हैं। यहाँ पर आपके सारी पोस्टों को देखकर और आपके पेज को अगर पसंद करता है तो यहाँ पर वो फॉलो भी करेगा और बहुत कुछ यहाँ पर आपके पेज पे बार बार आएगा। फ्रेंड आपको अब यहाँ पर इस तरह से आप चले जाना है यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पे। तो जैसे कि आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड जब आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पेज इन्फो, और यहाँ पर आपको साइड में डिस्क्रिप्शन वगैरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कैटेगरीज है। तो यहाँ पर बहुत सारे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको आपको सेट करना है। तो यहाँ पर आपको अपने फेसबुक का SEO करना है, ताकि जब आप SEO नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो आपका फेसबुक पेज है ग्रो नहीं कर पाएगा और आपको बहुत सारा व्यू नहीं मिलेंगे, लाइक नहीं मिलेंगे। तो जब आप SEO वगैरह कंप्लीट कर देते हैं तो आपके पेज की ग्रोथ होती है और आपका पेज बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और आप अपने पेज पर बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ SEO करना होगा, यहाँ पर जो मैं सेटिंग करने जा रहा हूँ तो आपको सब यहाँ पर डिटेल से बताऊँगा। तो आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चले जाना है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि कंप्लीट योर अबाउट सेक्शन सो पीपल कैन फाइंड योर पेज मोर इजीली। तो आप चाहते हैं आपका कोई पेज बहुत ही आसानी से ढूंढ ले तो आपको यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको देना है कि आपके पेज पर आप क्या दिखाना चाहते हैं और आपके पेज पर क्या क्या आप पोस्ट करेंगे, तो वो सारे वगैरह आपको लिखना है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल आपने जिस हिसाब से अपना पेज बनाया है तो उस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, आपको भी सेम टाइप कर देना है और वैसे ही आपको अपने पेज के अनुसार यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देना है। तो डिस्क्रिप्शन डालने के लिए आपको पहले टाइप करना है, तो जैसे कि यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ फ्लावर एंड नेचर ऑफ अर्थ एंड मोर। तो यहाँ पर आप और कुछ भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये डालने के बाद नीचे आपको सेव चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप जब सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आपने डिस्क्रिप्शन टाइप किया तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नॉट ए बिजनेस का क्रिएट करते हुए पेज डाला था, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आपको उसके अलावा भी कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे कि फ्रेंड मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ और आपको यहाँ पर टाइप क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पर फोटोग्राफी जब टाइप कर देंगे तो आपको नीचे की तरफ कुछ हाईलाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पर
क्लिक कर देना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर अपना पेज इस तरह से बना रहे हैं तो आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि यहाँ पर लिखा है। तो इस पर जब क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है इसके ज़रिए ही आपके पेज का पता चलता है कि आप कौन सा पेज बना रहे हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट होने के बाद आप डायरेक्ट इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए और इस पर जब सेव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे नीचे की तरह आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए आप, और यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना कंट्री है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर वैसे ऑटो सिलेक्ट कर लेता है लेकिन आपको अपना कंट्री कोड पता है तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट नंबर भी डाल देंगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हैं तो माई पेज डज नॉट हैव ए फ़ोन नंबर, तो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर राइट क्लिक पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद सेव चेंज पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट है। अगर आपने यहाँ पर कोई वेबसाइट चाहते हैं आपके पेज के लिए, आपने वेबसाइट बना रखी है, आप चाहते हैं आपकी कोई वेबसाइट यहाँ पर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं, तो आपको यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से दिख जाएगा और यहाँ पर नीचे की तरफ ईमेल है, तो आपके पेज पर कोई आता है और आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आपको ईमेल के जरिए भी कर सकता है। तो आपका कोई ईमेल एड्रेस है तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दे। तो फ्रेंड इस तरह से आपको अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देना है। अगर आप चाहते हैं आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस ना दिखे तो आपको यहाँ पर माई पेज डज नॉट हैव ए ईमेल का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको सेव एड चेंज, इस तरह से आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कुछ आपको एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज पर कोई विजिट करे और आपकी लोकेशन भी आप यहाँ दिखाना चाहते हैं कि आपके किस लोकेशन पे हैं, तो वो आप लोकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अपने कस्टमर को कि आप किस जगह पर हैं तो आपको वो विजिट कर सकता है। तो उसके बाद अगर आपको ये डिटेल इंपॉर्टेंट लगती है दिखाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर जो आपकी लोकेशन है उसको यहाँ पर अगर नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। और जब आप इस पर सेव चेंजेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपकी डिटेल एड लोकेशन है वो हाइड हो जाएगी, यहाँ पर आपको लोकेट इन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरह से और भी डिटेल दिए सर्विस एरिया, तो यहाँ पर वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करना है, अब आप यहाँ पर अपना जो पेज का टाइम है, आप कितने टाइम अवेलेबल रहेंगे, किस टाइम से किस टाइम अवेलेबल रहेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे जैसे ऑलवेज ओपन या नो आवर्स अवेलेबल, तो इस तरह से बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं, जिस जिस दिन आप यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे तो सारे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं और आपको टाइम यहाँ पर दिख जाएगा इस तरह से। तो आपको टाइम इसी टाइम को रखना है, तो यहाँ ऑलवेज आते हैं तो ऑलवेज ओपन भी कर सकते हैं, आपको नीचे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ओपन ऑन सिलेक्ट हावर्स का ऑप्शन मिलता है, सेकंड में ऑलवेज ऑप्शन है, नो हावर्स अवेलेबल या परमानेंटली क्लोज रखना चाहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर मोर इंप्रेंट, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दो ऑप्शन मिल जाते हैं जिनमें से आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अपने पेज के रिलेटिव कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर लेनी है और डाल देनी है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और इसको करने के बाद आपकी ये जो डिटेल है वो लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा जो आपने डिटेल भरी है। फ्रेंड जब आप यहाँ पर टैप पर क्लिक कर देंगे, टैप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ से आप अपने जो पेज है उसको जैसे कि प्रोफाइल ऑफ नेचर, तो इस तरह से आप अपने पेज को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं और आप ग्रुप वगैरह जो भी है यहाँ पर डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है, लॉगआउट वगैरह। तो उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में जनरल पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सेटिंग मिल जाएंगी जो कि आपके पेज से रिलेटिव हैं। तो फ्रेंड जब आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पेज विजिबिलिटी, और यहाँ पर आपको अपने अनुसार बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कौन विजिटर आपके पोस्ट पर, तो यहाँ पर कौन विजिटर आपके पेज पर आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको अपने अनुसार सेटिंग कर सकते हैं, रिव्यूज़ वगैरह है, न्यूज़ फीड है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जा रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं तो इनको आप अपने अनुसार एडिट कर सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ पर पेज के बारे में अपने पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर पोस्ट एंड स्टोरी शेयर का ऑप्शन मिला है, तो यहाँ पर कौन आपके पेज पर जो पोस्ट है
शेयर कर सकता है या कौन सी स्टोरी डाल सकता है या आप क्या स्टोरी सेट कर सकते हैं तो वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके कंट्री वगैरह क्या लेनी चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पेज लोकेशन वगैरह सब कुछ आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसे ऑप्शन हैं तो इनको एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा और अपने अनुसार इन्हें सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी सेटिंग है तो इनको आप अपने अनुसार ही रख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, ऊपर टैब है, यहाँ से क्लिक करके आपको लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लॉगआउट करके भी बाहर आ सकते हैं और दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। और फ्रेंड आप इसी तरह से अपने फेसबुक पेज को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बना सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि आप SEO कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर आप कैसे अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं, पोस्ट करके बहुत जल्दी से ग्रो करके और आप अपने पेज से इनकम शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।